मन भाई बस कुछ घंटा के बाद है जब आप जीरो से हीरो बनू हालांकि जीरो से हीरो बने आप लोग बहुत समय हो गए, आज मौका भी है, दस्तूर भी हम लोग हाथ पूछ लेते हैं, कई जगह आप बोले भी हो, लेकिन आप फिर से बताओ कि कब आप जीरो रहे हो, कब कैसे हीरो बने हो। मैं अपन लाइफ में इतना सारा जीरो देखा कि मैं बता नहीं सकूं मैं कब जीरो रहूं। मैं सच बताता हूं, मैं लापर लाइफ में हर चीज में, मोर लाइफ में ना तीन चीज बहुत सॉलिड हुए है। एक तो मोला मोर जो वाइफ मिले है वो, दूसरा जो मैं जो एक्टर बन गया वो, तीसरा मैं जो घर ले हूं वो। मोर लाइफ में तीन बड़े चीज ही अच्छा हुए, उखर अलावा मैं हर चीज में मोला जीरो मिले है। तो वैसे देखा जाए तो जब पहला फिल्म मिल रही है और पहला फिल्म जब चल रही है तो तब मैं जीरो से हीरो बन रहे हूँ। और वो जीरो से हीरो बनना भी आसान है, लेकिन जीरो से हीरो बन के हीरो वाले मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो वो पब्लिक के इतना प्यार, इतना मैं दुलार मिली पिछले 8-9 साल से कि मैं अब तक के वो हीरो वाले स्टैंडर्ड जो है मेंटेन कर पाता हूं, और आज वही नाम से फिल्म भी बना दे। जब भी कोई पहला फिल्म आते या ब्लॉकबस्टर फिल्म आते या बड़े फिल्म आते, स्टारडम तो मिल जाते जी, लेकिन वाकई में वो जो बाकी जो मिल रहे थे स्टारडम के अलावा, आर्थिक रूप से का फायदा शुरुआती तौर पे होता है या नहीं होता? डिपेंड करते हैं आपके कैरियर कैसे चला थे, आप कितना फिल्म करत हो, कैसे फिल्म करत हो, आपके एटीट्यूड कैसे है, आपके व्यवहार कैसे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से रिलेशन कैसे है, मतलब हर एक चीज मिल करके आप लोग यहाँ तक ही पहुंचा थे। बहुत कम मतलब अभी जो भी लड़का मनाते हैं, मैं मतलब यही सलाह देता हूँ हमेशा कि आपके जो भी चीज है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले आप जेकर साथ काम करते होगा साथ इतना व्यवहार बना के चलो कि जब वो सेकेंड मूवी जब भी सोचे तो आपके अलावा कोई नहीं सोचना चाहिए। तो मैं वो चीज मतलब प्रूव भी करूँ कि प्रणव भैया के साथ 4 मूवी, उत्तम तिवारी जी सुंदरानी जी के साथ में 5 मूवी, भारती वर्मा जी के साथ में 2 मूवी, नरेश केसरवानी के साथ 2 मूवी। तो मैं बोलता हूँ आप इतना रिपीट हो कि आप लर्निंग हो सके। मन भाई बहुत बधाई आप लोग, 2-3 घंटा बाद जब फिल्म आई फिर आपसे बात हुई। धन्यवाद। थैंक यू।